हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। आज के वीडियो में हम 35x20 के प्रोफाइल शीट के शेड की बात करेंगे। कितने रुपए का बनता है, कितनी शीट लगती है, कितना लोहा लगता है, हम कारीगर लोग इसको बनाने की कितनी लेबर लेते हैं, और इसके अंदर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, और एक नुकसान भी है जो कि चलती हुई वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह शेड जो बना है यह प्रोफाइल शीट से बना है, मेटल की प्रोफाइल शीट, काम धेनु कलर कोटेड शीट लगी हुई है दोस्तों। 0.4 mm की शीट है। बहुत सारे लोग जब शीट खरीदने जाते हैं तो बात हो जाती है कि जो प्रोफाइल शीट है यह 40 mm की है, तो 40 mm की नहीं होती, 0.40 mm साइज है इसका। तो दोस्तों कामधेनु की 0.40 mm की प्रोफाइल शीट लगी है, जो कि ऊपर की साइड से ब्लू कलर की होती है और नीचे से वाइट। 10 शीटें लगी है, एक शीट 20 फीट लंबी है, 3.5 फीट चौड़ी है, 3.5 फीट चौड़ाई होती है शीट की, और 20 फीट लंबाई, 10 फीट लंबाई भी आती है, 12 फीट भी आती है, 14, 16, 20, 22, तो ऐसे सारे साइज आते हैं शीट में, प्रोफाइल शीट में। 10 फीट लंबी शीट 1600 रुपये की है, 160 रुपये रनिंग फिट मान लीजिए। ये 3.5 फीट है, ये वाला जो साइज है ये 3.5 फीट है, और ये लंबाई 20 फीट है। तो इसको अगर 10 फीट तक आपको चाहिए तो 1600 रुपये की, 20 फीट लंबी चाहिए तो 3200 रुपये की, ये 20 रनिंग फिट है, 3200 रुपये की एक शीट है दोस्तों। 10 प्रोफाइल शीटें 32000 रुपये की होंगी, एक शीट 3200 रुपये की, 10 शीटें 32000 रुपये की। इसके अलावा इसके अंदर जो ये पर्नल में जो यूज किया गया है पाइप, ये 1.5-3 का पाइप है दोस्तों। यह पाइप में 20 फीट में 20 किलो वजन होता है, मतलब कि एक फीट में एक किलो वजन, 20 फीट में 20 किलो वजन, 35-35 फीट की 5 पाइपें लगी हुई है पर्नल के लिए, जिसका टोटल वेट हुआ 180 किलो, 180 फीट पाइप लगी है ये वाली पर्नल वाली। तो जितने फीट पाइप है, एक फीट में एक किलो वजन है, 180 किलो वेट इसका हो गया दोस्तों। तो शीट और पर्नल की बात होगी, इसके बाद आ जाती है कैंची। तो यहाँ पे क्या है, कैंची नहीं बनाई, पाइप ही हैवी लगा दिया गया जो कि कैंची का ही काम करता है। तो ये 4x4 की 40 किलो की एक पाइप है, जिसका टोटल वेट 20 फीट लेंथ में 40 किलो है। 3 पाइप लगी है, 1, 2 और एक इधर वाली, 3 पाइप होगी 4x4 की। तो ये 120 किलो वजन हुआ इस पाइप का। यहाँ पे जो ये पोल लगे हैं, ये 3 इंच सर्किल पाइप है, यह 3 पाइप लगे हैं, मतलब कि 40 फीट पाइप लगी है। एक पाइप 13 फीट की है, 3 फीट अंदर दी, 10 फीट ऊपर है, तो 13 फीट की एक पाइप है, जो कि कुल 2 ही पाइप लगी हैं वैसे, एक पाइप को यहाँ पे जोड़ मारा गया है, तो कुल इसका वेट है 60 किलो। तो टोटल मिला के दोस्तों जो वेट है 360 किलो वेट है। तो दोस्तों पिलर के लिए जो पाइप है, ऊपर कैंची के लिए पाइप, पर्नल के लिए पाइप और शीट की टोटल बात हो चुकी। अब बात करेंगे हम जो कारीगर लोग हैं वो क्या चार्ज लेते हैं। तो हमारी लेबर 20 रुपये स्क्वेयर फिट है, 20 रुपीज स्क्वेयर फिट हमारी जो लेबर है, 700 स्क्वेयर फिट की हमारी लेबर, 14000 रुपये है दोस्तों, 14000 रुपीज इसका जो हमारा लेबर है, कारीगर का लेबर। और इसके अलावा 1000 रुपये पेंट के, पेंट करवाना जरूरी है, पेंट जो कारीगर इसको बनाता है वही कारीगर से आप बात कर लेना, बनाते समय इसको पेंट करना जरूरी है। अगर पेंट नहीं करवाएंगे, बाद में पेंट करवाएंगे तो 2 से 4 महीने में ही रस्ट पकड़ लेगा लोहा, पेंट करवाना जरूरी। बाद में पेंट करवाएंगे तो पैसे डबल ट्रिपल खर्च होंगे, पेंट करने वाला यहाँ पे सीढ़ी लगा लगा के बार बार ऊपर चढ़ेगा। जो बनाने वाले कारीगर होते हैं जैसे कि हम तो नीचे जब लोहा पड़ा है तभी पेंट कर लेते हैं, तो आसानी से हो जाता है। 500 रुपये का पेंट, 500 रुपये लेबर चार्ज समझ लो, तो 1000 रुपये पेंट का खर्चा होता है। और 1250 रुपये के इसमें 250 स्क्रू लगे हैं, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, 2 इंच का एक स्क्रू होता है लंबा, हर गोले के ऊपर लगता है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, 1250 रुपये के। तो दोस्तों अब बात करेंगे प्राइस की। तो टोटल कॉस्ट 700 स्क्वेयर फिट के लिए आपको 74000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आज 31 जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे रेट कम ज़्यादा हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये मैं जो रेट बता रहा हूँ हरियाणा के बता रहा हूँ, अपने रेट बता रहा हूँ, इलाहाबाद के रेट बता रहा हूँ। आपके शहर में कारीगर लेबर कम भी ले सकता है, आपके शहर में कारीगर लेबर ज़्यादा भी ले सकता है, लोहा सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, तो उससे मुझे कोई वो नहीं है। तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ यहाँ का। अब बात करेंगे दोस्तों सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। स्लांट जरूरी है। तो दोस्तों ये जो 20 फीट की लेंथ है, इसके अंदर
कम से कम आपको 18 इंच की ढलान देनी जरूरी है, स्लांट देना है। स्लांट नहीं देंगे तो बारिश का पानी ऊपर रुकेगा, सर्दी के मौसम में जब ओस पड़ती है तो यहाँ नीचे आपको मॉइस्चर आएगा, नीचे पानी टपकेगा, टपकेगा तो फिर भी जब स्लांट दे दिया है उसके बाद भी टपकेगा, लेकिन टपकेगा एंड पे जाके, क्योंकि वो पानी लटकते लटकते एंड तक चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्लांट। उसके बाद जहाँ पे पीछे आपने दीवार के अंदर देना है, ये जो कैंची है इसको या तो दीवार के अंदर डाल दो या फिर चार मोटे नट लेके दीवार के अंदर डाल दो। और यहाँ पे अगर पक्की मजबूत जगह है तो यहाँ पे प्लेट लगा के चार नट मारो, और अगर कच्ची है तो खड्डा मारो 3 फीट का, इसके अंदर डालो और बाहर कंक्रीट डालो। तो ये भी जरूरी है, ये भी सावधानी ध्यान से समझें। इसके अलावा जो ऊपर स्क्रू लगते हैं शीट के ऊपर, हर गोले के ऊपर स्क्रू होने चाहिए, और ऊपर वाला जो भाग होता है गोले का वहाँ पे स्क्रू होना चाहिए, हर गोले के ऊपर स्क्रू। और ये जो पर्नल का आप गैप देख रहे हैं, पर्नल का जो गैप है ये 4 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभार लोग लोहे की बचत के लिए 5-5, 6-6 फीट पे पर्नल लगा देते तो वो जल्दी शीट खराब हो जाएगी, उसमें थोड़े से पैसे तो आपके बच जाएंगे लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर स्क्वायर फिट में बात करें तो यह शेड जो है टोटल 105 रुपये स्क्वायर फिट पड़ता है। अगर आपका 100 फिट का है तो 10,500 रुपये में बनेगा, अगर 1,000 स्क्वायर फिट का है तो 1,05,000 रुपये में बनेगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी नुकसान की, तो एक ही इसमें दिक्कत है कि इस शेड में जो हीट है, जो गर्मी है, वो लगभग वैसी की वैसी रहती है जैसी कि धूप में होती है। फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी है या कुछ भी है वो सेफ़ रहेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे छांव एकदम, कोई पानी वानी का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसके फ़ायदे, और नुकसान भी मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिला होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सारा ज्ञान देने के बावजूद भी अगर आपके पास कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में आके अपने सवाल जवाब मेरे साथ साझा कर सकते हैं। एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल, सुझाव या अनुभव है तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएँ। थैंक यू।